वहीं छत्तीसगढ़ में एक निजी कंपनी के कर्मचारियों से भरी बस के खाई में गिरने से करीब 15 लोगों की मौत हो गई और एक दर्जन से ज्यादा घायल हो गए। दुर्घटना दुर्ग जिले में रायपुर दुर्ग रोड पर कल रात हुई। सड़क से फिसलने के बाद बस एक 40 फीट गहरी मुरूम मिट्टी की खदान के गड्ढे में जा गिरी। बता दें कि डिस्टिलरी कंपनी के कर्मचारी काम के बाद घर लौट रहे थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने हादसे पर दुख जताया है। छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि घायलों के इलाज का समुचित प्रबंध किया गया है। वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि दुर्घटना का शिकार हुए लोग केडिया डिस्टिलरी के मजदूर थे। जो भी मामले में दोषी होंगे उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई होगी। तो वहीं केडिया डिस्टिलरी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और घायलों का पूरा खर्च उठाने की बात कही है और सभी घायलों को एम्स, एपेक्स, ओम और अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इधर कलेक्टर ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच कराने के भी आदेश दिए हैं। इंटरस्टेट डिपार्टमेंट लीड एजेंसी रोड सेफ्टी छत्तीसगढ़ के चेयरमैन AIG ट्रैफिक संजय शर्मा और उनकी टीम मौके पर हादसे की जांच करेगी और टीम बस कंडीशन, लापरवाही और मान्य त्रुटि समेत कई बिंदुओं पर जांच करने वाली है। देखिए, कल कुम्हारी के पास एक बस दुर्घटना हुई है जो कि बड़ा दुखद है, जिसमें 12 लोगों की मृत्यु हुई है और उतने ही करीब घायल हुए हैं। और अभी हम घायलों से मिल के आ रहे हैं। एम्स में 10 लोग एडमिट हैं, उनसे मिल के हम आ रहे हैं और इस घटना में जो 12 लोगों की मृत्यु हुई है उनके प्रति, उनके परिवार के प्रति संवेदना हम व्यक्त करते हैं और उनकी आत्मा को भगवान शांति दे, ये भगवान से प्रार्थना है। और जितने भी घायल हैं वो भी शीघ्र स्वस्थ हों, ये प्रभु से कामना करते हैं। और इस घटना के प्रति हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया, उन्होंने भी संवेदना व्यक्त की है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो भी संवेदना व्यक्त किए हैं और जो घायल हैं उनका बेहतर से बेहतर इलाज हो इसका शासन ख्याल कर रहा है। और मेरी जानकारी के अनुसार कंपनी मृतक परिवार को 10 लाख मुआवजा दे रहा है और एक नौकरी भी देगा मृतक परिवार को, और अच्छा से अच्छा उपचार हो इसकी भी चिंता कंपनी भी कर रहा है, हमारा पूरा शासन प्रशासन भी कर रहा है।